क्या आप हिस्ट्री में जेम्स एंड्रू ब्रायन रैमजी को जानते हैं, जिसने 1857 की क्रांति के लिए भारत को मजबूर कर दिया था? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी और ब्रिटिश एम्पायर को विस्तार देने वाले लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी 1848 से 1856 तक ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल रहे। इंपीरियलिज्म से इंस्पायर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया था। उसने 1839 में महाराजा दुलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया था और पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिया था। वहीं 1856 में कुशासन के बेसिस पे अवध को अनेक्स किया था। लॉर्ड डलहौजी को साम्राज्य विस्तार के इन प्रयासों के साथ साथ 1853 में भारत में रेलवे की नींव रखने, 1854 में टेलीग्राफ की शुरुआत और तोफखाने का हेडक्वार्टर कलकत्ता से बदलकर मेरठ में ले जाने का श्रेय मिलता है। इन्हीं के टाइम में वुड का घोषणा पत्र जारी होता है, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।